अप्रैल 17 एंड ये वाले मैदान के में रहने वाले सारे डॉगीज के लिए हमने यहाँ पर खाना रख दिया है। यहाँ पर 6 डॉगीज होता है, तो 2 वो साइड रखा है और 4 ये साइड रखा है। एंड दिस इज आवर स्लॉट 1, सो लेट्स होप द बेबीज विल कम सून एंड दे विल हैव देयर फूड। और हमारे सारे बाबू लोग है यहाँ पर, ऑल वेटिंग फॉर देयर फूड। एंड हमारे सारे बाबू लोग आ गए हैं टू हैव फूड। चलो खाबो, चलो। और आप देख सकते हो सब अपने अपने खाने के लिए वेट करते हुए। यहाँ पर खाना रख दिया गया है ताकि सारे लोग अपना खाना खा सकें। एंड अभी जो है हम लोग ये वाली फीमेल को थोड़ा दूर में देंगे क्योंकि बहुत शांत है और अच्छी बच्ची है, सब लोग छेड़ते हैं इसको। और वो लैक्टेटिंग मॉम के लिए हमने यहाँ पर 2 जगह खाना रख दिया है और दूध भी रख दिया है ताकि वो बारी बारी से रात में अगर उसको ज़्यादा भूख लगती है तो आके खा ले, दूध भी पी ले ताकि अपने बच्चों को ठीक से दूध पिला पाए। और लैक्टेटिंग मॉम आ गई है और फिलहाल वो दूध पी रही है, उसके बाद खाना खा लेगी। एंड दिस इज द सेकेंड गेट एरिया एंड हमारे सारे बाबू लोग वापस आ गए हैं टू हैव फूड। चलो खाबो, चलो चलो। अगेन वी हैव केप्ट फूड फॉर एवरीवन हियर। इसको हम लोग ये साइड में देंगे, इसको और एक ब्लैक कलर का और एक बाबू है। चलो, सो रोड के ये साइड हम लोगों ने ये दोनों बाबू को दे दिया है। इसका खाना हो गया है सर का, ये वापस इधर आया है। ये ब्लैक ही और इसका खाना है ये, विच दे विल ईट शेयरिंग करके। चलो दे जाओ, चलो। इस डॉग और यहाँ से 2 डॉग निकलते हैं, इसके अंदर रहते हैं। इनके लिए हम लोगों ने 3 जगह पे खाना रख दिया है ताकि ये लोग खा लें। तो अब जब ये लोग बाहर निकलेंगे तो आके अपना खाना लेंगे खा। एंड दीज आर आवर बेबीज ऑफ द लेबर कैंप। चलो 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 खाबो, चलो 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 खाबो, चलो आशा, चलो चलो चलो। नाउ बेबीज आर हैविंग फूड। दीज आर द 2 बेबीज फ्रॉम आवर लेबर कैंप। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है जब भी इनको मेरी गाड़ी की आवाज़ आती है। खेलो, चलो बाबू। वी हैव अरमानी हियर, अरमानी। ओए ओए ओए। एंड हियर इज द शेफर्ड। ए शेफर्ड, किरे किरे बॉय, चलो आशो। एंड वी हैव केप्ट फूड फॉर ऑल द 3 बेबीज हियर। अरमानी अपना खाना खा रहा है आराम से। ये एक फीमेल है उसके लिए है और ये शेफर्ड के लिए है। शेफर्ड चलो। एंड ये हमारे राजू है। राजू गुड बॉय। ऑल द बेबीज आर हियर। छोटका अंदर बैठा है, उसको भी जाके अभी हम लोग देख लेंगे। एंड ये है हमारा छोटू, छोटू गुड बॉय, गुड बॉय। चलो खावा, चलो। एंड फूड हैज बीन केप्ट फॉर एवरीवन। सारे 6 डॉग्स के लिए यहाँ पर खाना रख दिया गया है। 4 यहाँ पर है, छोटू अंदर बैठी हुई है और ये शॉप के पीछे एक ब्राउनिश फीमेल बैठी हुई है, वो भी आ जाएगी अभी। एंड अगर आप ध्यान से देखते हो दूर में तो सारे बच्चे हैं यहाँ पर, 3 बैठे हुए एंड उनके लिए यहाँ खाना रख दिया गया है। 4 बच्चों के लिए 4 जगह खाना। सो अब जब वो लोग आएंगे
तो अपना खाना खा लेंगे। ये यहाँ पर बैठे हुए हैं चारों। चलो चलो आशो बाबू चलो। और ये हमारे एमएससीबी के बाबू लोग। चलो खाबो चलो। गुड गर्ल भालो मैंने बाबू। चलो खाबो चलो आशो चलो चलो। और हमारे दोनों बाबू खा रहे हैं अपना खाना। खेने शो ना खेने चलो खेनो खेनो। हिंदी बाबू भैया अभी इन चारों बाबू के लिए खाना डाल देंगे। पीछे आप देख सकते हैं और एक डॉगी का आँखें चमक रही है। यहाँ पर चार होते हैं फिलहाल, दो है, बाकी के दो भी जल्द आ जाएंगे। सो लेट्स सर्व देम फूड। सो यहाँ पर एक बेबी बैठी हुई है, यहाँ पर है एंड वी हैव सर्व देम फूड। सो नाउ वी विल गो टू दैट प्लेस एंड वहाँ पर भोईरवाड़ी के पास रख देंगे एंड देन पूरा हाईवे कवर करेंगे। एंड आवर भोईरवाड़ी के डॉग्स आर हियर। चलो चलो आगे। और तीन है, दो है सॉरी, यहाँ पर चार रहता है। एंड देन वी विल कवर दिस हाईवे। यू कैन सी द बेबीज, वी हैव केप्ट द फूड। थोड़ा एंड यू कैन सी द बेबीज, उनकी आंखें चमक रही होगी आप देख सकोगे। एंड वी हैव केप्ट द फूड। वेलकम टू राणा व्लॉग्स। और ये सेकंड स्लॉट खत्म करके हम लोग जा रहे हैं घर। टुडे वी फेड ऑलमोस्ट 110 डॉग्स, दैट्स अ ग्रेट थिंग। राणा व्लॉग्स में आपका स्वागत है, देखते रहिए आगे के स्टोरीज। सो दिस इज द अदर हाईवे। ये जो सीधा रास्ता है ये आगे जाके कनेक्ट करता है बेंगलोर मुंबई हाईवे को, और इसके पहले जहां पर हमने खाना रखे थे वो करता है कनेक्ट पुणे मुंबई हाईवे को। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वाले होटल वाले अपना कचरा डालते हैं। टुडे इज 18th ऑफ अप्रैल एंड ये जो मैदान है यहाँ के डॉगीज के लिए हमने खाना रख दिया है। सो वी हैव केप्ट 6 प्लेट्स दिस साइड एंड अलोंग विद दैट वी हैव केप्ट 5 प्लेट्स हियर। सो ये सेकंड गेट के पास के सारे बच्चे लोग, एंड वी विल सर्व देम फूड नाउ। एंड रोड के ये साइड हमने दो जगह रख दिया है, वो साइड हमने 6 जगह रखा है। अब हम रोड के ये साइड 3 जगह रख देंगे। सो सारे 6 प्लेट्स में खाना दे दिया गया है। और रोड के ये साइड भी हमने 4 जगह रख दिया है खाना। सारे डॉगीज वहीं पर हैं, शायद अंधेरे के जैसे आपको नहीं दिख रहे होंगे पर सारे इधर ही हैं। इधर तो बच्चा लोग फ्रंट लेबर कैंप। भाई चल चलो चलो खाबो चलो। भाई भाई किरे 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 चलो 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 आशु चलो चलो। इस ब्लैकी का खाना हो गया है, दोबारा इधर आया। चलो खाओ चलो। एंड ये लेबर कैंप है एंड यहाँ के डॉगीज के लिए हमने रख दिया है खाना।
दिस इज द लेबर कैंप एरिया। खेलो शोनो खेलो, गुड गर्ल खेलो, चलो ए ब्लैकी, यहाँ पर एक ब्लैकी है, अभी दिखेगा शायद आपको। चलो, सो दीज आर ऑल आवर बेबीज है। उधर भी एक है, अरमानी, ये शेफर्ड, ये बाबू, प्लेट निकाल रहा, उनका यहीं पर शुरू हो गया। दीपो चलो चलो आशो, चलो चलो खावा, चलो आशो, हाय हाय हीरोइन, हाय किरे। एंड हमने पांच बाबू के लिए यहाँ खाना रखा है, वो बहुत डर रही है मैडम, उसके लिए हम लोग वहाँ डालेंगे दो लोगों के लिए। चलो खेना, चलो शेफर्ड, चलो खेना बाबू, खेना चलो खेना शेफर्ड, चलो गुड बॉय। तो ये दोनों बाबू के लिए हमने यहाँ रख दिया है खाना, एंड वहाँ पर उन पांच बाबू के लिए खाना रखा हुआ है। खेना शोना खेना, सो यहाँ ख़त्म होता है हम लोगों का स्लॉट ए, और अभी हम घर पे जाएंगे एंड वापस आएंगे फॉर स्लॉट टू। खेलो खेलो चलो, एंड हमारा अरमानी आ गया है। अरमानी बहुत देर के बाद आया बच्चा आज। एंड दिस इज अ मेडिसिन, क्योंकि हमारे शेफर्ड का स्किन बहुत ख़राब हो रहा था, तो उसको हर हफ्ते एक टैबलेट दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड न्यूमैक, इट इज़ अ वंडरफुल टैबलेट, वंडरफुल ड्रग, आई विल टेल यू गाइस अबाउट इट समडे लेटर। ने शेफर्ड पी रहा है, उसको दूध के साथ दिया है। सो न्यूमैक इज अ वंडरफुल ड्रग गाइस, यू नो लाइक आप हफ्ते में एक टैबलेट दीजिए एंड विद इन 5 वीक्स पूरा स्किन ठीक हो जाएगा। पहले उसका स्किन कितना ज़्यादा ख़राब था, अभी देखिए उसका स्किन कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, स्केबीज कम हो जाता है, डर्मेटाइटिस कम हो जाता है। इट्स अ वंडरफुल ड्रग, 100 रुपये में 10 टैबलेट आती है, मतलब एक टैबलेट सिर्फ 10 रुपये का गिरता है। एक हफ्ते में एक ही देना होता है, नहीं तो किडनी और लीवर में प्रॉब्लम आती है। और अगर पप रहा तो उसको आधा टैबलेट एवरी वीक, एडल्ट को एक टैबलेट दे सकता है। बहुत ही छोटा पप रहा तो यू कैन गिव 1/4 ऑफ अ टैबलेट एवरी वीक। और इसने पूरा खा लिया है, पूरा दवाई इसने चाट लिया है, दैट्स वंडरफुल। खा बाबू, सो वी हैव ऑल द बेबीज, राजू, दीज टू फीमेल्स, छोटू अंदर होगा, ये छोटू अंदर है, छोटू एंड देयर इज दैट बड़ा वाला डॉगी, विल कीप फूड फॉर एवरी वन। चलो, सो देयर इज छोटू, दिस इज राजू, बोथ द टू फीमेल्स एंड वन एल्डरली डॉग, द ब्राउनिश वन इज मिसिंग एंड 6 प्लेट्स ऑफ फूड केप्ट फॉर द डे। एंड यहाँ के चारों बेबीज के लिए हमने खाना रख दिया है, अभी रात में वो लोग आ जाएंगे तो अपना खाना लेंगे खा। एंड आज कलर खाने का ब्राउनिश इसीलिए है क्योंकि आज हमने पेडिग्री को चावल के साथ ही बॉईल किया है, तो उसका चॉकलेटी कलर जो है वो चावल ने ले लिया है। राजू राजू सबका खाना थोड़ा थोड़ा चाटता है। आशो, एंड ये हमारे के MSCB के बाबू लोग, चलो बाबू चलो चलो सोना खावा, चलो आशा, गुड गर्ल। एंड बोथ ऑफ आवर बाबूज आर हैविंग फूड, खेना सोना
अगेन फूड हैज़ बिन केप्ट फॉर ऑल द फाइव डॉग्स हियर। यहाँ पर एक बैठा हुआ है, इसके पीछे और एक बैठी हुई है बहुत दूर रोड के वो साइड में, एक बैठा हुआ है, बाकी के दो दिख नहीं रहे, अभी आ जाएंगे जैसे हम लोग यहाँ से निकल पड़ेंगे। तो चलो भूखा भी, चलो आशा। दिस द भोर ऑफ द पार्ट एंड हमने यहाँ पर ये बाबू के लिए बहुत सारे बिस्किट छोड़े हैं। पीछे और एक बाबू बैठा हुआ है एंड यहाँ पर टोटल 6 डॉग्स के लिए हम लोगों ने खाना रख दिया है ताकि जब ये बाबू लोग आए तो ये लोग अपना खाना खा लें। अभी हाईवे पे खाना रख देंगे और उसके बाद दूसरे वाले हाईवे पे। और यहाँ के 5 डॉग्स आपको दिखेंगे, तो जो 5 के लिए हमने खाना रखे थे सारे यहाँ पर हैं। वी हैव केप्ट फूड फॉर ऑल दी 18 डॉग्स हियर। यहाँ पर यूजुअली होटल रेस्टोरेंट्स का लेफ्ट ओवर फूड रहता है, सो वी हैव केप्ट फूड फॉर 1 डॉग हियर। ज़्यादा खाना रखे है ताकि 2 डॉगीज खा सके। अभी हम लोग जाएंगे गेट के उस पार और ये रोड कनेक्ट करता है मुंबई पुणे हाईवे को। 1:15 एट नाइट, वी हैव केप्ट फूड फॉर ऑलमोस्ट 18 डॉग्स टुडे अगेन फ्रॉम दिस हाईवे एंड वी हैव केप्ट फूड फॉर ऑल द 10 बेबीज हियर। एंड ये अपनी वाली बेबी वापस आ गई है, मैंने वो उसको गाड़ी का आवाज़ आता है, उसको समझ जाता है जो खाना रखने आ गया लोग, तो ये आ जाती है। सो अगेन वी हैव केप्ट हियर फूड फॉर 4 बाबूज। उनकी आवाज़ शायद आपको आ रही होगी पर वो लोग अभी यहाँ पर आ नहीं रहे। एंड दिस इज द हाईवे पार्ट।